हरे कृष्णा एवरीवन, राधा रानी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थानी ट्रेडिशनल स्वीट गूंद पाक। इसको बनाने के लिए हम लेंगे ये डेसिकेटेड नारियल या नारियल का बुरादा। हम सूखे हुए नारियल को घर में भी कद्दूकस करके ले सकते हैं। अब हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे लगभग 4 टेबल स्पून शुद्ध घी और इसे गर्म होने देंगे। इधर हम चाशनी बना देते हैं। एक हम पैन लेंगे जिसमें हम डालेंगे 1 कप नॉर्मल शुगर और 1/2 कप पानी और धीमे गैस पे इसे पकने देंगे। चीनी पानी में अच्छी तरह घुल जाए, 1-2 बार हम बीच बीच में चला देंगे और गैस एकदम धीमी कर देंगे। इधर जब घी गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कटे हुए बादाम के टुकड़े। इसे हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे घी में। गैस को हम स्लो रखेंगे और अब हम बादाम को निकाल लेंगे और इसी घी में हम डालेंगे 1/3 कप गोंद। इसे भी हम अच्छे से सेक लेंगे, गैस धीमे रखेंगे और अच्छे से चम्मच या कलछी की सहायता से उलट पुलट करके गोंद को हम 1 से 2 मिनट तक पूरा सिकने तक पकाएंगे। गोंद जब सिक जाए तो हम इसे बादाम के साथ ही निकाल लेंगे इस तरह घी झाड़ के। और अब जो घी बचा है उसे हम चेक कर लेंगे कि वो साफ है। अगर उसमें कुछ कंकर या पत्थर जैसे कुछ दिख रहे हों तो उसे हम छान कर यूज़ करेंगे। अगर घी कम लगे तो हम 1 टेबल स्पून घी और डाल सकते हैं। इधर हमारी चीनी की चाशनी रेडी हो गई है। इसे पकते हुए लगभग 4 से 5 मिनट हो गए हैं। इसे हम केसर डालेंगे, केसर से खुशबू और कलर बहुत अच्छा आता है। चाशनी हमें एक तार की नहीं बनानी है, अच्छी चिपचिपी जैसी हो जाए तो हम गैस बंद कर देंगे और चाशनी को एक बार ढक देंगे ताकि वो हल्की वार्म रहे। इधर हम आटे को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे धीमी आंच पर। जब हमारा आटा अच्छे से सिक जाए और उसमें से अच्छी खुशबू आने लगे तो इसमें हम डालेंगे लगभग 150 ग्राम मावा। उसे हम अच्छे से 1-2 मिनट तक धीमी आंच पर भुनेंगे आटे के साथ। अब हम गैस बंद कर देंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा आटा बहुत गर्म है तो इसमें और ज़्यादा मावे को भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हम डालेंगे 2 कप डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर। इसे हम सभी मिश्रण के साथ अच्छे से मिला लेंगे क्योंकि हमारा मिश्रण बहुत गर्म है तो नारियल को अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें गोंद और बादाम जो हमने तले थे वो मिला देंगे। सभी मिश्रण को पूरा एकसार करेंगे और 1 से 2 मिनट इसे ठंडा होने देंगे। लगभग 2 मिनट बाद हम इसे इसके अंदर चाशनी डालेंगे जो हमने बनाकर ढककर रखी थी, जो हल्की गर्म है। बहुत उबलती हुई चाशनी हम इसमें नहीं डालेंगे और इसे चम्मच की सहायता से अच्छे से मिलाएंगे ताकि चाशनी पूरे गुंदपाक में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। अब हम इसे सर्व करेंगे। हमारा तैयार है गुंदपाक जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और हेल्दी भी। तो दोस्तों, इसे हम भगवान को ऑफर करेंगे तुलसी पत्र रखकर और उसे बाद सर्व करेंगे। तो आप सब ये गुंदपाक की रेसिपी बनाइए, अपने कमेंट द्वारा हमें बताइए कि आपको कैसी लगी। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।